हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके घर में सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया मटर कीमा, और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। बहुत टेस्टी और हेल्दी सब्जी है, तो ज़रूर बनाइए आप। ये मैंने 3 बड़ा चम्मच मैंने टमाटो प्यूरी लिया है। टमाटो को मैंने हल्का सा उबाल लिया था, बॉईल करके उसे मैश कर लिया है। तो ये 3 टेबल स्पून लिया है मैंने। आप चाहिए तो मिक्सी में पीस सकते हैं। और ये मैंने 2 प्याज लिया है, उसे कट कर लिया है। 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। और 50 ग्राम मैंने सोया ग्रेन्यूल वो लिया है, चूर जो सोया का आता है। और उसे मैंने गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दिया था, उसके बाद निचोड़ लिया पानी। और चाहिए, अगर आप गर्म पानी में नहीं भिगोते हैं तो आप इसे आधा घंटा के लिए भिगो के रख दीजिए, ठंडे पानी में जो नॉर्मल पानी होता है। और आधा टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 बड़ा टेबलस्पून हरा धनिया लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, और 2 हरी मिर्च लिए हैं मैंने। अच्छा, ये तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं हरी मिर्च कट करके लिया मैंने। और 1 बड़ा टेबलस्पून हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 तेज पत्ता, और सौंफ पाउडर लिया मैंने आधा टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। और ये मैंने हरा मटर लिया है, 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है हरा मटर। तो देखते हैं हम कैसे बनता है। ये गैस को मैंने ऑन कर दिया है, गैस पे कढ़ाई रख लिया है, उसमें हम ऑयल डालेंगे 3 टेबल स्पून, और ऑयल को गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, उसमें हम डालेंगे जीरा और तेज पत्ता, और इसे हम चलाएंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये मैंने जीरा को भून लिया है, और इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी भूनेंगे, और इसके साथ में डालेंगे मिर्ची। तो ये मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लिया है, इसमें डालेंगे प्याज और इसको भूनेंगे। भून लेंगे थोड़ा टाइम के लिए, गुलाबी होने दो, और गैस को मीडियम कर देंगे, मीडियम आंच पर हमें भूनना है। तो ये मैंने प्याज को भून लिया है, प्याज हमारा सुनहरा हो गया है। और अभी इसमें डालेंगे हम टमाटो का प्यूरी, और वो मैंने लिया 3 बड़े चम्मच टेबल स्पून, और इसे हम मिक्स करेंगे। इसे हम मिला लेंगे, और मैंने टमाटो को बॉईल करके डाला है, मतलब उसका पेस्ट बना लिया है मसल के, और आप चाहिए तो पीस के भी डाल सकते हैं। और अभी इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, और गैस को कम रखेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला और मिर्ची पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे। और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और बेल बटन जरूर दबाइए। और अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सब जो आपके रिलेटिव, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है मेरा रेसिपी तो, और अपना प्यार देते रहिए आप। तो इसे मैं भून लूँगी। तो ये मैंने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है, और अच्छे से मसाला पक गया है और तेल छोड़ दिया है ऑयल। तो अब इसमें हम डालेंगे मटर और नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिला लिया मैंने, थोड़ा सा इसे हम पका लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा भून लिया है, और अभी इसे हम सोया ग्रेन्यूलर वो डाल देंगे, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिलाएंगे इसे,
और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें हम डालेंगे पानी। तो इसे अच्छे से मैंने मिला लिया है और आधा कप मैंने पानी डाला है और इसे हम ढक्कन लगा के जब तक हमारा मटर और सोया पक जाए तब तक पकाना है, मटर के पकने तक। अभी हम ढक्कन हटा के देखेंगे। तो ये अच्छे से पक गया है, देखिए। थोड़ा सा गैस को हाई करके हम पका लेंगे इसे। तो ये अच्छे से पक गया है, गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा रखेंगे गार्निशिंग के लिए और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। और इसे हम सर्व करते हैं। तो ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। थोड़ा सा हम हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। ये मैंने गार्निश कर लिया है। तो ये हमारा सोया मटर कीमा बनके तैयार है। बनाइए आप चपाती पराठे नान के साथ में सर्व करिए। और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन जरूर दबाइए। और बहुत हेल्दी और टेस्टी सब्जी है, तो ज़रूर ट्राई करिए आप। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ और आप बाहर का भूल जाएंगे खाने के लिए। बहुत टेस्टी सब्जी है, तो ज़रूर बनाइए। और फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।